कम्युनिज्म आएगी कभी कैपिटलिज्म आएगी कभी इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा कभी मिक्स इकोनमी हो जाएगी कभी ग्रोथ लेवल बढ़ जाएंगे कभी जोन्स uh, चेंज हो जाएंगे कभी वॉर uh, जोन्स में चले जाएंगे कभी सप्लाई चेन्स डिफरेंट हो जाएंगी कभी आपकी जो है वो एशिया ताकत में आ जाएगा कभी अफ्रीका ताकत में आएगा और अगले वक्तों के अंदर एशिया ताकत में आने वाला है तो यहाँ पे आपका जो है वो ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या फ़र्क पड़ेंगे फिर एशियन जब आ जाएगा इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा तो कल को जो यूनिपोलर के अंदर अमेरिका पावर में था तो वेस्टरनाइज क़ुतें वेस्टरनाइज प्रोडक्ट वेस्टरनाइज आइडियाज वेस्टरनाइज तरीक़ाकार वो और तरह होता था एशियंस के अंदर देखेंगे तो येलोज आपको अगर आपको नज़र आ रहे हैं कि वो अगर आपको ज़्यादा अपवर्ड नज़र आ रहे हैं तो उनका आइडिया कल्चर उनकी जहनीयत उनके इन्फ्लुशल्स उनके तरीक़ाकार वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे सो so, यहां पे जब ग्लोबलाइजेशन का मुकम्मल हुआ अब मैं दो चीजों को रिलेट करने लगा हूं यानी नॉलेज बेस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस ग्लोबलाइजेशन अब मैंने कहा कि चाहे अफ्रीका जब इन्फ्लुएंस पकड़े या साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक पकड़े जो अगली सदी का जो है वो साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक बन रहा है जिसके अंदर आपको रशिया नजर आएगा जिसके अंदर आपको चाइना नजर आएगा जिसके अंदर आपको इंडिया नजर आएगा तो ये ब, बनते बनते यूरोप जो है यूरोप अभी इन्फ्लुएंशियल है लेकिन उसके बाद आपके जो है पावर पोल जो है वो इधर से साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक से जाएगा तो वहां पे आपका यूरोप आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो अमेरिका है उसकी पावर्स कहां कहां से बनती है वो चेंज हो जाएंगी अब या या कैपिटलिज्म के अंदर चेंज सोशलिज्म या सोशलिज्म को चेंज करके और जो भी चेंज आएगा लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन कैसे तब्दील होगी जी नॉलेज डिफ्यूजन रिवाइटलाइजेशन ये रिवाइटलाइज इंडस्ट्री मार्केट अडेप्शन ग्लोबल कंपेटिटिवनेस जीडीपी इंक्रीज इंप्लॉयमेंट दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से थी वो फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो रही है आपकी मेल न्यूट्रिशन बढ़ रही है आपके चालीस फीसद से ज्यादा मेल न्यूट्रिशन नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके दिमाग जो है वो चालीस परसेंट से ऊपर नहीं है अस्सी परसेंट टोटल आपका सर गंदम पे है इसी तरीके से अगर आप देखें तो टोटल न्यूट्रिशन तो पूरे ना हुए जब टोटल न्यूट्रिशन पूरे नहीं होंगे तो आपका जो है वो टोटल ओवरऑल चीज़ों के अंदर क्या फर्क आएगा चाइना की मिसाल आपके सामने तीस साल पहले सिर्फ नूडल पे गुजारा करने वाली कौम अब चालीस से पचास किस्म के जो है वो खाने खाती है वाइट फिश खाती है फिशेस की बहुत सारी चीज़ें खाती हैं फिर आपके दालें और खाने की बेशुमार कमोडिटीज जो हैं उनकी डिमांड बन चुकी है अब वो इतनी ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशंस हैं तो मैंने अपनी नज़रों के सामने पाँच फुट से बढ़ते हुए बच्चे जो हैं वो छः तीन छः चार मैंने अपनी नज़रों से देखे यानी इतनी बड़ी साइंस है कि अब वो जो हैं वो अपने बच्चों को जिस तरीके से ग्रोथ दे रहे हैं तो मैंने एक ही नस्ल के अंदर जो है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा तो गजा इतना बड़ा फर्क डालेगी कि डीएनए को चेंज करेगी जी बिल्कुल करती है बिल्कुल करती है और मैंने इसको देख लिया तो अब वहां पे हाइट चेंज होगी नकूश चेंज होंगे चीज़ें भी चेंज होंगी अब अब अब, अब आइडियोलॉजी जब चेंज होती है तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं वो आइडियोलॉजी वो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ देखा उन्होंने देखा ये चौड़े चौड़े लंबे लंबे अमेरिकन आ रहे हैं फिर उनके खानों में चेंज आ रहा है उनकी चीजें चीज में भी चीज आ रही है उनके अंदर प्रोटीन्स वो ज्यादा ले रहे हैं फिर उन्होंने ये कह नहीं बाबी क्यूज वगैरह वहाँ नहीं हुआ करते थे अब चटपटे पराठे भी मैंने वहाँ पे देखे सो मूविंग ऑन डायमेंशन चेंज हो रही है वो ग्लोबलाइजेशन अपनी एक शक्ल नहीं तब्दील करेगी सो वेल्थ ऑफ नेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस सो जीडीपी इंक्रीज के साथ जीडीपी मैटर करेगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर क्या तब्दीली आएगी साउथ ईस्ट एशियन रीजन के चेंज के साथ कौन सी जुबान इन्फ्लुएंस करेगी अगला दौर बताएगा और अभी बहुत सारे तगर बाकी हैं थैंक यू वेरी मच